डी ए स्टूडेंट्स मैं आज की इस वीडियो में लाइफ साइंस के आंसर की बताने वाला हूँ मध्यमिक परीक्षा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ग्रुप ए से शुरू करते हैं ग्रुप ए में क्या है ग्रुप ए में है एम सी क्यू ठीक है आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज कंपल्सरी तो सारे क्वेश्चन का आंसर देना है जितने भी एम सी यू क्यू टोटल फिफ्टीन एम सी यू क्यू है तो फिफ्टीन एम सी यू एम सी यू के का आंसर आप लोग को देना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर वन सेलेक्ट द करेक्ट पेयर तो यहां पर जो करेक्ट पेयर है उसको चूज करना है उसको सेलेक्ट करना है तो so, इसका आंसर हो जाएगा लेंस ऑप्शन नंबर सी लेंस कॉजेज कॉजे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एकोमोडेशन ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडिनालिन तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्माजा ड्यूरिंग एडोलेस ओके क्वेश्चन नंबर थ्री स्लैक विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट तो यहाँ पर जो बताना है कि ट्रॉपिक मूवमेंट के फीचर कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंड्यूस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट कंट्रोल बाय द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द विद दैट ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट तो ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है और उनके रिलेटेड जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे तो उसको फिर चूज़ करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है ए जो है वो किस कितने नंबर के साथ होगा थ्री नंबर के साथ उसके बाद देखिए बी किसके साथ होगा यहाँ पर वन के साथ होगा उसके बाद सी जो होगा वो किसके साथ होगा नंबर टू के साथ ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फाइव डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट यहाँ पर यहाँ पर चार तो यहाँ पर फोर सीक्वेंस दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा जो है सीक्वेंस है वो करेक्ट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिसेप्टर सेंसि नर्व नर्व सेंटर मोटर नर्व एफेक्टर दैट मीन्स एफेक्टर ऑर्गन ओके ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स सेलेक्ट द करेक्ट पेयर तो यहाँ पर पेयर को फिर uh, चूज करना है सेलेक्ट करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है टेलोफेस रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन द नेम ऑफ टर्मिनल पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम इज़ तो क्रोमोसोम के जो टर्मिनल पार्ट है तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलोमियर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रॉस पोलिनेशन तो क्रॉस पोलिनेशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ स्पेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन कंसीडर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्लैक्ट विच ऑफ द ऑप्शन इज आर करेक्ट तो यहां पर बताना है कि यहाँ पर एसेक्सुअल सेक्सुअल रिपोर्टेशन में जो है यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है तो इनमें से कौन से डिफरेंस जो है सही है तो उसके मुताबिक नीचे फोर ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है तो उनमें से सही कौन सा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू एंड थ्री ठीक है तो यहाँ पर जो टू और थ्री जो है जो डिफ्रेंसेस है वो सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टीन सेलेक्ट द करेक्ट पेयर इन केस ऑफ ह्यूमन तो ह्यूमन के केस में जो है यहां पर पेयर दिए गए हैं फोर पेयर दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट पेयर को चूज करना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ओबम ट्वेंटी टू ए प्लस एक्स ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग जेनोटाइप इज होमोजाइगस फॉर द बोथ द लॉसी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्मॉल बीबी स्मॉल आर आर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आइडेंटिफाई द जेनोटाइप ऑफ गिनी पिग हैविंग वाइट कॉट कलर एंड रफ हेयर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल बी बी कैपिटल आर आर स्मॉल बी बी कैपिटल आर स्मॉल आर ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू वे आर सेलेक्टेड बाय एज डोमिनेंट ट्रेड्स तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ स्टीम लॉन्ग शेप ऑफ सीट राउंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीन डिटरमाइन द नेचर ऑफ पी प्लांट जेमिनेटेड फ्रॉम द सीड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन बिटवीन अब्रिड टॉल कैपिटल स्मॉल टी एंड अ प्योर डो ऑफ स्मॉल टी स्मॉल टी पी प्लांट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी परसेंट टॉल फिफ्टी परसेंट डो ऑफ ओके लास्ट क्वेश्चन इज फिफ्टीन डिसाइड विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिजीजे कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग सजेशंस फ्रॉम प्री मेरिटल जेनेटिक काउंसिल तो आंसर इज नंबर सी थलासमिया तो ये फिफ्टीन एम सी क्यू है तो उसका आंसर मैंने आप लोग को बताया तो आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए कि आप लोगों के जो एम सी क्यूज है कितने एम सी क्यूज करेक्ट हैं नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बी में नंबर टू आंसर ट्वेंटी वन क्वेश्चन आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन गिवन बिलो एज इंस्ट्रक्टेड तो यहाँ पर देखिए ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है उनमें से ट्वेंटी वन क्वेश्चन का आंसर करना है और नीचे डू एज डेक्टेड है मतलब अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चन है ठीक है कहीं पर ट्रू फॉल्स है कहीं पर एसिक्यूज है ठीक है कहीं पर कॉलम्स है तो उसके हिसाब से करना है तो सबसे फर्स्ट में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस एनी फाइव ठीक है सबसे पहले ब्लैंक्स है उसको फिल अप करना है फर्स्ट इज डैश हार्मोन इज फाउंड इन वेरी हाई अमाउंट इन द प्राइप सीड्स ऑफ प्लांट तो आंसर हो जाएगा जेवलिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्शन इज फर्स्ट स्पॉन्टेनियस एंड Unconscious. Number three, in dash cell division spindles fibers are not formed. Answer is amatosis. Number four, dash is an endophilus flower. to answer ho jaega, orchides. orchids. Question number five, the gene having the power of rolling term is. डोमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स एज द जीन रिस्पॉन्सिव फॉर हेमोफेलिया इज रेसेसिव सो दैट सिमटोम ऑफ द डिजीज इज ओनली मैनिफेस्टेड इन डैश कंडीशन तो आंसर हो जाएगा होमो जाएगस तो ये आंसर जो है कंफ्यूजन है ओके अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है ट्रू फोल्स बताना है यहाँ पर डिसाइड वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ फोल्स एनी फाइव ठीक है तो यहां पर ज्यादा कुछ क्वेश्चन है तो फाइव का ही ट्रू फॉल्स बताना है टू पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज इन केस ऑफ सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो ये हो जाएगा ट्रू ओके नेक्स्ट वन इज इस न्यूक्लियस एट कंटेन्स नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड आंसर इज ट्रू question number 9 there is no rule of there is no role of female in determi determining sex of human answer is true question number 10 if any pea plant contains either tt or tt trait then the pea plant becomes heterozygous with respect to such alleles answer is false question number 11 at the flowers of pea plant are unisexual so cell pollination and if needed cross pollination can be performed to answer be false question number 12 the daughter cells are changed and modified in different ways during cell differentiation phase of phase to form tissue organ and system answer is true नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दो विच आर मोस्ट अप्रिपियड इन कॉलम बी एंड रीराइट द करेक्ट पेयर मैं सीरियल नंबर ऑफ बोथ कॉलम एनी फाइव ठीक है तो यहाँ पर मैच करना है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉलम ए टू पॉइंट थर्टीन डायबिटीज डायबिटीज इंस्पायर्ड हो जाएगा किसके साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ हाइपो ऑफ ए डी एच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉइंट फोर्टीन सोवान सेल सोान सेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ एग्जिस्ट बिटवीन न्यूरोलिमा एंड माइलिन ऑफ एक्सॉन ओके फिफ्टीन म्योसिस म्योसिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ कॉलम ई e के साथ स्पो मदर सेल एंड जम सेल ओके सिक्सटीन सेंसेशन फेज इस ये हो जाएगा ऑप्शन कॉलम बी के साथ ब्रिट ब्रिटलनेस और बोन उसके बाद सेवनटीन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जेनेटिक डिजीज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हो जाएगा जेनेटिक डिजीजेस ये हो जाएगा एफ नंबर के साथ कलर ब्लाइंडनेस ओके लास्ट वन होगा एटीन द सेकंड लॉ ऑफ मैंडल इज नंबर ए के साथ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोरमेंट ओके तो आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सिंगल सेंडेंस तो सिंगल वर्ड और सिंगल सेंडेंस में आंसर करना है एनी सिक्स का तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है ओके okay? तो टू पॉइंट नाइनटीन तो मैं यहाँ पर आप लोगों को देखिए यहाँ पर ट्वेंटी वन क्वेश्चन का आंसर करना है तो मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन का आंसर ही आप लोगों को बता रहा हूँ पूरे क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ ओके okay? चूज द ओड वन एंड रल फेक्ट्री नव वोगस नव ऑप्टिक नव ऑडिटरी नव तो आंसर हो जाएगा जो जो ओड ओड है इनमें से वो हो जाएगा वोगस नव ठीक है ये कन्फ्यूजन है क्योंकि ये जितने भी नव है ये सारे के सारे नव क्या है क्रीम नव है मतलब जो ह्यूमन ब्रेन से निकलते हैं ओके तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें कन्फ्यूजन है कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द फेट ऑफ हार्मोन इन एनिमल बॉडी आफ्टर इट्स फंक्शन इज ओवर बोलता है कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी में बॉडी में अपने काम करने के बाद क्या होता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में जब हार्मोन अपना काम पूरा कर चुका होता है तो ये हमारे बॉडी में फ्यूचर के लिए इसको स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी बॉडी में इसको स्टोर करना मुमकिन नहीं है पॉसिबल नहीं है तो ये होगा आंसर उसके बाद ट्वेंटी वन क्वेश्चन अपियर ऑफ सलैड रिलेटेड टर्म इज गिवन ब्लो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पियर फाइट राइट द सुइटेबल वर्ड इन द गैप ऑफ द सेकेंड बेल तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट द फंक्शन ऑफ चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल गेट हेम्बर्ट कहता है क्या होगा अगर सेल साइकिल का जो प्रोसेस है जो चेक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा किसी वजह से या वो सही से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा तो ये हो जाएगा जितने भी सेल्स है वो बिना रोक टोक क्या होगा बहुत ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थ्री वॉट इज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो ये आप लोगों का डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेड और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है तो इसके बारे में लिखना है एक दो लाइन होगा आंसर अब आगे चलते हैं आगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखिए क्या है एम द फॉलोइंग फोर टर्म्स वन इंक्लूड द अदर थ्री फाइंड इट आउट एंड राइट इट तो इनमें कहता है कि यहां पर फोर टर्म्स है तो फोर टर्म में से एक टर्म्स को इंक्लूड किया गया जो इंक्लूड किया है इन फोर टर्म्स में ठीक है वो क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स ऑफ एक्सोथलामिक ग्रेटर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन विच फेज ऑफ इंटरफेस द प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स इज सेंथसाइज ओके तो इसका आंसर हो जाएगा जी टू फेज अब आते हैं ग्रुप सी में आंसर यानी ट्वेल्व क्वेश्चन इन टू थ्री सेंटेंसेस आउट ऑफ सेवनटीन क्वेश्चन की वन ब्लो तो यहाँ पर सेवनटीन क्वेश्चन है उनमें से ट्वेल्व क्वेश्चन का आंसर करना है और वो भी टू और थ्री सेंटेंसेस में ओके तो ये सेंटेंस बड़ा होगा तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से किए होंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन को दिखा देता हूँ तो आप लोग मिला सकते हैं कभी ठीक है तो ये ये सारे क्वेश्चन क्या है टू मार्क टू मार्क्स कैरी करते हैं ओके तो ये देखिए क्वेश्चन ये टू मार्क्स सारे क्वेश्चन टू मार्क्स कैरी करते हैं तो आप देखिए ग्रुप डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है तो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब फाइव मार्क फाइव मार्क्स कैरी करते हैं ओके नंबर फोर पे है राइट द सिक्स क्वेश्चन और दियर ऑल्टरनेटिव गिवन ब्लो सेटलेस कैंडिडेट्स हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट वन ए इंस्टीड ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट वन ठीक है जो सेटलेस स्टूडेंट हैं उनको फोर पॉइंट वन के बजाय जो आंसर करना होगा फोर पॉइंट वन ए का ओके द मार्क्स अलॉटेड फॉर एच क्वेश्चन इज फाइव द डिविजन ऑफ मार्क्स इज ऐदर थ्री प्लस टू टू प्लस थ्री और फाइव तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन होंगे वो फाइव मार्क्स कैरी करता है तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उस फाइव मार्क्स में तो क्या होगा देखिए थ्री प्लस टू टू प्लस थ्री और फाइव ओके तो उसी हिसाब से एक आंसर करना है सबसे जो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ साइंटिफिक डायग्राम ऑफ अ न्यूरन एंड लेवल द फ्लूइंग बर्ड्स ठीक है तो यहाँ पर न्यूरोन की जो पिक्चर बनानी है ठीक है उनमें ये फोर नेम्स दिखाना है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए तो दो फिर में से और दिया और में दिया हुआ है तो आप लोग जो भी बनाना चाहते हैं बना, बना सकते हैं तो फोर पॉइंट वन ए का जो है ये आप लोगों को नहीं करना है जो साइडलेस स्टूडेंट हैं उनको करना है ओके तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या आंसर लिखे हैं आप लोगों को पता होगा देखिए फोर पॉइंट टू देखिए ग्रुप डू में जितने भी आंसर है टोटल सिक्स क्वेश्चन है ठीक है तो हर एक में क्या है और और करके दिया हुआ है तो आप लोग जो चाहे दे सकते हैं अब ग्रू फी आप लोगों को नहीं देना है ये फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट ओनली एक्सटर्नल कैंडिडेट ठीक है तो ये हो गया तो ये पूरे जो है लाइफसेंस के जितने भी आंसर की है मैंने बताया इसमें तो इसमें कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए उसके बाद तो आप लोग तो आप लोगों का जो लाइफसेंस का एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग कमेंट में फटाफट से बताइए और ये भी बताइए कि मैंने जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताया तो इनमें से आप लोगों ने आ, कितना इनमें से सही है और कितना गलत है आप लोग फटाफट से कौन में बताइए